हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो बी विथ 20 to 25 मिनट एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंसिवली दीज गोल 17 गोल। हियर इज ऑल 17 गोल मेंशनड। सो You can secure one questions, at least one question in your preliminary examination. Let's start today's session. Sustainable development goal, you can see here. One by one, we will cover all this goal. Actual में sustainable development goal की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, उसके पीछे आपको थोड़ा बहुत background होना चाहिए। ये शुरुआत होती है, आपको लगभग नहीं पता होगा, एक UNGA नाम से लगभग पता ही होगा, ठीक है ना। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करके एक संस्था है अपनी, ठीक है। यूएन की जनरल असेंबली करके एक संस्था है, ठीक है। उसकी जो हर प्रत्येक ईयर क्या है, मीटिंग होती है। तो 2015 के अंदर मीटिंग हुई, उसके अंदर 193 कंट्रीज मेंबर स्टेट है वो एक साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 2030 का टारगेट लगा के, टारगेट कौन सा, जो बिग गोल है, जो अच्छी 2020 तक अचीव नहीं किए जाते, उनको 2030 तक क्या करना है, अचीव करना है। और उसके अंदर कितने 17, ये लिखे हुए आपको 17 SDGs मेनली बनाए गए या फिर डिटरमाइन किया गया। उसके अंदर लगभग 169 टारगेट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। SDG कितना है, 70 SDGs के अंदर 169 टारगेट को इंक्लूड किया गया है। तो आपको ये बैकग्राउंड ध्यान होना चाहिए कि 2015 के अंदर ये जो UNGA की मीटिंग के अंदर ये एडॉप्ट किए गए थे। नेक्स्ट मोटू जो फैला अपना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, नो पॉवर्टी। ध्यान रखिए, नो पॉवर्टी। अब पॉवर्टी किसी पर्टिकुलर स्थान की बात नहीं हो रही, ये विश्व ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही, क्योंकि ये किसने, यूएन ने इनिशिएट किया है ये टारगेट। 193 मेंबर कंट्री भी है, ठीक है, इनके साथ में सिग्नेटरी कंट्री कह सकते हो। तो पूरे विश्व के अंदर या फिर 193 कंट्रीज ये मानते हैं कि हमें क्या करनी है, पॉवर्टी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो कब करना है, 2030 तक करना है, ठीक है। पॉवर्टी के अंदर पॉवर्टी कैसे डिसाइड करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति जो दिन का $1.25 से कम खर्च करता है या फिर इससे गुजारा कर रहा है, वो पॉवर्टी के अंदर आता है, ठीक है। नो पॉवर्टी 2030 तक अपन करनी है, ठीक है। एटलीस्ट हाफ करनी है 2030 तक, अगर रिडक्शन कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं हो तो एटलीस्ट कम से कम हाफ अपनी जो पॉवर्टी, जैसे कि अभी 10 मिलियन पीपल है पॉवर्टी के अंदर आए, ठीक है, तो वो रिड्यूस करके कम से कम 5 मिलियन पीपल को लाना है, ठीक है। तो ये मेन है पॉवर्टी से रिलेटेड, एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर, ठीक है, किसी भी प्रकार में मौजूद हो तो उसको समाप्त करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जीरो हंगर। सेकेंड जो है, ध्यान रखना, इसके जो सीक्वेंस है यूपीएससी क्वेश्चन करेगा कि पॉवर्टी से रिलेटेड जो SDGs है वो कौन से नंबर का है या फिर किस नंबर से है, ठीक है। ये वन नंबर पे, अब दूसरे नंबर पे है जीरो हंगर। जीरो हंगर में क्या, एंड हंगर असी फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना कि ये किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके अंदर आ रही है। एक जो माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, आप ये ध्यान रखना, माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है, ठीक है ना, न्यूज़ में भी रहता है। इसका रहने का कारण है कि काफ़ी जो स्टंटिंग हो रही है, ठीक है, स्टंटिंग है, वास्टिंग है इन चिल्ड्रन, ठीक है, अंडर 5 ईयर एज। ये जीरो हंगर 2030 तक अपना टारगेट है लानी है, ठीक है। एंड हंगर इंश्योर एक्सेस बाय ऑल पीपल, इन पर्टिकुलर पुअर एंड पीपल इन वनरेबल सिचुएशन, ठीक है, जैसे कि ट्राइबल्स एरिया है, ठीक है। काफ़ी सारे इंडिया के अंदर मूवमेंट होते हैं, मणिपुर के अंदर मूवमेंट हुआ कि किसी को ट्राइबल के अंदर इंक्लूड करना है SC ST कैटेगरी के अंदर,
तो इस प्रकार से ये क्या है, एक ज्वलंत मुद्दा हो सकता है कि आपको एसटीडी नंबर 2 एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसटीडी नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल इट ऑल एज। ठीक है, ऑल एज जो भी किसी, जैसे कि एक साल से लगा के कम से कम जितने साल, जैसे 70 साल जी रहे हो, 90, 100 तक जितने भी रहे हो, तो जितनी भी प्रकार की जो हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है उनको एलिमिनेट करना या फिर उनको अच्छे से इम्प्रूव करना। ठीक है, अब गुड हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कहाँ तक ले जाना है, 70 से नीचे ले जाना। अब क्या है, जो 1 लाख के अंदर 70 से नीचे मैटरनल मोर्टेलिटी को ले जाना है। ठीक है, ये 2030 तक का लक्ष्य है, टारगेट है। ठीक है, इंडिया का क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है, इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है। ठीक है, अब 2030 तक क्या है, 5 ईयर से बच्चे जो कम है, ठीक है, उनका क्या है रिडक्शन करके 12 पर 1000 ले जाना। ठीक है, उससे कम ले जाना। ठीक है, ये एसटीजी के अंदर देखा जाए कि 100 बच्चों के अंदर से 12 से कम बच्चों की डेथ हो अंडर 5 ईयर के अंदर, और अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, ठीक है, लीव बर्थ एंड अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी एट लीस्ट एज लो ऑफ 2500 बर्थ पे 25 से भी कम ले जाना है। ठीक है, ये अंडर 5 ईयर, और ये किस में है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज विथ ऑल कंट्रीज एमिंग टू रिड्यूस न्यू नेटल मोर्टेलिटी के अंदर। ठीक है, अब 3.3 टारगेट है, एंड द एपिडेमिक्स, अब ये ध्यान रखने वाली बात हो गई। ठीक है, अब आपको फिलहाल जो काफ़ी वायरस है, मंकी पॉक्स है वगैरह है, उसके अंदर एपिडेमिक लेवल की कोई भी बीमारी है उसको रिड्यूस करना, जैसे कि ये एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। अब 2047 तक ये टारगेट दिया हुआ है, सॉरी 2047 तक नहीं है, ये 2025 तक है। इंडिया ने ये डिसाइड किया है 2025 तक हमें क्या करना है, ट्यूबरकुलोसिस को एंड करना है। ठीक है, 2030 तक कौन सा लक्ष्य, एसटीजी का खुद का लक्ष्य है। ठीक, मलेरिया है, नेगलेटेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, उनको क्या है कॉम्बैक्ट करना है 2030 तक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि एंड ऑफ द एंडेमिक्स एपिडेमिक्स लाइक एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें से कोई भी मलेरिया वगैरह कोई भी रिलेटेड करके पूछ सकता है। ठीक है, और जो ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 पे, ये है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना, इंश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक आपको वर्ड ध्यान रखना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी तक की स्टडी है वो इंक्लूड की जाती है। तो इसके अंदर क्या है, 2030 तक आपको इंश्योर करना है गर्ल्स बॉयज कंप्लीट फ्री इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अब प्राइमरी और कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये आपको इंश्योर करना है हर बच्चे, हर गर्ल्स चाइल्ड और बॉयज़ के पास में ये फ्री और कंपलसरी इक्विटेबल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेस मिले उनको। ठीक है, 2030 तक हमें इंश्योर करना है कि ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या है, उसकी भी अच्छे से क्वालिटी हो या फिर उसका भी इम्प्रूवमेंट हो, ये सारा का सारा रिलेटेड है या फिर क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड एसडीजी नंबर 4 है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी कैसे, जेंडर इक्वलिटी से आप समझते हो ना, जेंडर इक्वलिटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट, वुमेन्स और गर्ल्स, वीमन और गर्ल्स के जो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है
ठीक है, ये अपना गोल है, ठीक है, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन। एंड देखो काफ़ी सरसा में रहने वाला ये, इंडिया में तो काफ़ी सरसा में हमेशा रहता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको इनसे रिलेटेड जैसे कि जो वीमन को एम्पावर करती है कोई भी गाइडलाइन, जैसे कि आप कह सकते हैं विसा का गाइडलाइन हो या फिर निर्भया केस से रिलेटेड जो भी है, तो इन सब गाइडलाइन को या फिर इन सब लॉ को, पॉक्सो एक्ट को वगैरह, इन सब को ध्यान में रखना है। जेंडर इक्वलिटी को भारत सरकार कैसे प्रमोट करती है, कैसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है बाई लॉ या फिर गाइडलाइन के थ्रू, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन, ये सब अगेंस्ट वुमेन और गर्ल्स के जो अगेंस्ट हो रहे वायलेंस वगैरह। पता है आपको एक कोई फॉरेनर अपने यहाँ इंडिया के अंदर फॉरेन टूर पे थी, तो होली के दिन उन्होंने कुछ वायलेंस वगैरह कर दिया था फॉरेनर के साथ में, तो ये नहीं होना चाहिए। अपने जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो छवि है वो ये खराब कर देते हैं कि क्या इंडिया में वास्तव में इंश्योरिंग नहीं है वायलेंस वगैरह की, क्या सेफ्टी वगैरह के स्टैंडर्ड काफ़ी कम है क्या, तो ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एंड अदर टाइप्स ऑफ एक्सप्लोइटेशंस, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड कौन सा एसडीजी है, एसडीजी नंबर 5 है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कभी कभार आपको लगता है कि जो मैरिज होती है, फॉरेस्ट मैरिज है, अर्ली चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, तो ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये सारा का सारा जेंडर इक्वलिटी के थ्रू प्रमोट या फिर इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है एसडीजी नंबर 5 से। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्लीन वाटर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन ध्यान रखना, क्लीन इंडिया मिशन। और दूसरा, अब जो प्रोजेक्ट हर घर जल, ठीक है, ये क्या है, ये ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, ठीक है। आपको पता है कि एक अब केस करंट का केस है, ठीक है, वैसे ही स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करंट के केस में आपको एक न्यूज़ के अंदर है कि जो आर्सेनिक का वो जो क्वांटिटी है वाटर के अंदर काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण वो लोगों की हेल्थ को इश्यू कर रहा है या फिर उसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आर्सेनिक के कैसे, उस आर्सेनिक की समस्या से कैसे निजात पाया जाए, तो आपको कैसे, या तो टैप वाटर इनको अवेलेबल कराओ या फिर कुछ सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ मेजर किया जाए ताकि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सबके लिए, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन ऑल। तो इंडिया का जो ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम है, उनको अगर वो एसडीजी से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, तो आपको उनको नज़र में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। काफ़ी सारी इंडिया की जो स्कीम्स है 2015 के बाद में पर्टिकुलरली, तो ये सब इनके ऊपर फोकस है। 2030 तक क्या अचीव करना है, एक्सेस एडिक्वेट एंड इक्विटेबल सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है, सैनिटेशन अच्छा होना, ओपन डेफिकेशन। अब देख लो क्लीन इंडिया मिशन के अंदर, शौचालय योजना के अंदर आप देख सकते हैं हर घर टॉयलेट वगैरह, ठीक है, ये ओपन डेफिकेशन को कह रहा है कि आपको एंड कीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। पेइंग स्पेशल अटेंशन द नीड्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, आपको पता है कि सैनिटरी पैड्स वगैरह अवेलेबल हो, ठीक है, काफ़ी सारे कंट्रीज है उनके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो ये सब एक कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं रिडक्शन पोल्यूशन, एलिमिनेशन डंपिंग एंड मिनिमाइजिंग द रिलीज ऑफ हैजर्डियस केमिकल एंड मटेरियल्स, हैविंग द पोर्शन ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड इंक्रीजिंग रिसाइकलिंग एंड सेफ रीयूज ग्लोबली, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो भी वाटर से रिलेटेड अगर कोई आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछा जाए तो ये 6 नंबर गोल है। अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि क्लीन वाटर सैनिटेशन, ठीक है,
इसके अंदर आपको सब गोल कौन कौन से, तो सब गोल ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी या फिर अफोर्डेबल हो सबके लिए, ठीक है, सैनिटेशन अच्छे से हो, ओपन डेफिकेशन वगैरह फ्री हो, ठीक है, और वुमेन्स वगैरह उनके लिए सैनिटरी पैड वगैरह उनसे रिलेटेड कोई स्कीम है तो वो भी इस सैनिटेशन के अंदर आएगी, 6 नंबर पे आएगी। ठीक है, अब 7 नंबर पे आते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आपको पता है कि रीन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी इंडिया की ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कौन से या फिर कौन से गोल को इम्प्रूव किया जा रहा है या फिर उसको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, 2030 तक क्या करना है, इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस अफोर्डेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विस। पता है कभी कभार आपने फार ईस्ट जो इंडिया के काफ़ी दूर पर स्थित गांव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अभी भी जो सस्टेनेबल या फिर एक्सेस जो रिलायबल एनर्जी है उनका एक्सेस नहीं है, तो वो सब एक्सेस करने के लिए ये 7 नंबर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का गोल है। ठीक है, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, सबके लिए ये अवेलेबल हो। रिन्यूएबल एनर्जी इसके एक कंपोनेंट है कह सकते हैं। और क्या बोला है, 2030 तक क्या करना है, डबल द ग्लोबल रेट ऑफ एम्पावरमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी इन ऑल सेक्टर। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, SDG नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब यहाँ देख लो, प्रमोट सस्टेंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फुल एंड प्रोडक्टिव इम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है कि आपको सबको जॉब की रिक्वायर्ड होती है, जॉब क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है, ये सब किस में आ रहा है, ये 8 नंबर पे आ रहा है। अगर बाई चांस UPSC क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एग्जाम दे रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है, वो किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, वो 8 नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आ रहा है। ठीक है, सस्टेन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर ये UNGA की जो मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया कम से कम 7% की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, 7% की ग्रोथ होनी चाहिए GDP के अंदर एनुअली। ठीक है, क्यों, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री अगर 7% से अगर कम हो रही है ग्रोथ, तो वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में असमर्थ है या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब MSME से रिलेटेड अगर आप ग्रोथ और MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस है उनसे रिलेटेड कोई इंसेंटिव है या फिर कह सकते हैं, तो वो भी इस 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पता है आपकी इंडिया की काफ़ी सारी जो स्कीम्स है MSME से रिलेटेड, तो वो भी इस गोल को टारगेट किया जा रहा है, इस गोल को। ठीक है, नब अब 9th पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पता है इंडिया ने अभी लॉन्च किया था गतिशक्ति प्रोजेक्ट, ठीक है, गतिशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इंडिया में काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ठीक है, वो भी एक सस्टेनेबल गोल नंबर 9th को ध्यान में रख के किया जा रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग रीजनल एंड ट्रांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। और पता है G7 ने लॉन्च किया था 2021 के अंदर GII, क्या है GII, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन या फिर इनिशिएटिव था। ठीक है, और साइना ने भी लॉन्च किया था, साइना ने क्या किया था, BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब इंडिया ने भी काफ़ी कुछ इनिशिएटिव क्या है, एक ईस्ट एक्ट पॉलिसी के थ्रू अपने और ईरान से होते हुए मॉस्को तक जाने के लिए ये ट्रांजिट रूट वगैरह बनाने, ये सब किसके अंदर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। गतिशक्ति प्लान भी जो इसी गोल को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो काफ़ी सारी स्कीम्स होती है उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बाई 2030 सिग्निफिकेंटली रेज इंडस्ट्री शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंक्रीज द एक्सेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है,
आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पर्टिकुलरली इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर जॉब क्रिएशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, एमएसएमई अगर बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, इकोनॉमी के दूसरे पार्ट को यहाँ पे डेवलप करना है, ठीक है। तो ये आपको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मूव टू 10th नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10th क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सबको बराबर का हक देना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमोंग कंट्रीज। देखो इनइक्वालिटी को आपको विथ इन कंट्री मतलब कंट्री के अंदर भी, और अमोंग कंट्री मतलब बहुत सारे कंट्रियों को साथ मिलाकर देखा जाए तो उनके अंदर भी जो इनइक्वालिटी है मौजूद है वो आपको कम करनी है, उसको रिडक्शन पे लाना है, ठीक है। 2030 पे क्या है, प्रोग्रेसिवली असीव एंड सस्टेन इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40%। अब आप कभी कभार आपने इंडिया में कहाँ पर चर्चा में मुद्दा रहता है कि जो इंडिया की जो टॉप 10 कैसे कह सकते तो जो जो 90% वेल्थ है वो टॉप 10 या फिर ओनली 10% पीपल के हाथों में है, ठीक है। तो जो सबसे बॉटम पे है 40% जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन, उनको कैसे एक मेन स्ट्रीम धारा के अंदर आप ले जा सकते हैं, या फिर जो टॉप 10 जनसंख्या है 10% और बॉटम 40% है उनके बीच में जो गैप है उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके ऊपर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। एम्पावर एंड प्रमोट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इरेस्पेक्टिव ऑफ, आपको ये एज सेक्स के हिसाब से आपको किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम इंक्लूडिंग एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस एंड प्रोमोट अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन पॉलिसीज एंड एक्शन। तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर आपको ये देखना है। अगर आपको सब गोल भी पूछा जाए तो अगर बाई चांस आपको पूछा जाए कि क्या इंडिया की जो 10% जनसंख्या है 40% जो बॉटम में है उनका जो कह सकते हैं वेल्थ का जो कंपेरिजन करें तो वो काफ़ी इनइक्वल है, ठीक है, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए तो वो या फिर कैसे रिड्यूस करें, ये कौन से डेवलपमेंट गोल के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 के अंदर। सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन पूछा जाए तो भी डेवलपमेंट गोल नंबर 10। गोल नंबर 11 पे आ जाओ, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इंडिया की कोई है ऐसी कोई स्कीम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि वैसे है पुराना तो, लेकिन इसके प्रोग्रेस पे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में कि कौन सी सिटी ने अच्छा प्रोग्रेस किया है, ठीक है। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव सेफ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। आपको इंक्लूसिव सेफ एंड रेजिलिएंट बनाना है, ठीक है। 2030 इंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग। पता है कभी कभार आपको प्रधानमंत्री ने इतने सारे घरों का अनावरण किया या फिर इतने सारे घरों को अलॉट किया पीपल के लिए, तो ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। अब धारावी आप एक देख सकते हैं, ठीक है, धारावी का एग्जांपल लीजिए। धारावी के अंदर क्या हुआ, जो अपग्रेडेशन होगा सलम का, काफ़ी जो इंडिया की सबसे बड़ी सलम है धारावी मुंबई के अंदर है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। अडानी ने ये, आई थिंक अडानी कंपनी ने ही ये बिड जीती है, ठीक है, बिड वॉन बाय द अडानी, ठीक है। 2030 तक क्या प्रोवाइड एक्सेस सेफ अफोर्डेबल एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट जो हाईवे वगैरह बन रहा है, ठीक है, तो वो भी इस 11 के अंदर टारगेट किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के अंदर ये गोल नंबर 11 को टारगेट करके ये सब किया जा रहा है, ठीक है। 2030 तक इनहांस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन, अर्बन को अगर सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है, वो खुद में आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत भी पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर
टारगेटेड है, तो ये सब आपको गोल नंबर 11 के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू गोल नंबर 12, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। कभी कभार आपको लगता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं भूखे रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भोजन का क्या वेस्टेज करते हैं, ठीक है, फूड का क्या वेस्टेज होता है, तो इसको कैसे अच्छे से मैनेज कर सके, एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, ठीक है, प्रोडक्शन पैटर्न को सिस्टम। इसके अंदर आपको सप्लाई चेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल याद रखना है, ठीक है, किसके अंदर है, ये रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण क्या डिसरप्शन हो गया, रशिया एंड यूक्रेन वॉर से काफ़ी सप्लाई चेन को इफेक्ट पड़ा है, उसके कारण काफ़ी देशों के अंदर महंगाई दर भी बढ़ गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने का यही रीज़न है कि जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी तो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ जाएगी। तो इम्प्लीमेंट द 10-year फ्रेमवर्क ऑफ प्रोग्राम्स ऑन सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन भी सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए और प्रोडक्शन भी सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, ताकि जो आने वाली फ्यूचरिस्टिक अपनी जो पीढ़ियाँ है उसके अंदर क्या है, अच्छे से ये जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल रहे। ध्यान रखना, अचीव द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बने रहे, उनके लिए गोल नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट मूव टू गोल नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक भी जस्ट UNFCCC की COP27 इजिप्ट के अंदर हुआ है। अब आपको ये भी नहीं पता होगा तो इसका मतलब है कि आप UPSC के जो करंट अफेयर्स है वो टॉपिक आप कम से कम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। काफ़ी बर्निंग इश्यू है वर्ल्ड क्लास लेवल पे, ठीक है, तो आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 याद रखना है। इसके थ्रू भी UNFCCC, और ये कब हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू काफ़ी सारा है, पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू काफ़ी सारे टारगेट या फिर गोल कह सकते हैं वो डिटरमाइन किया गया था। एक आपने देखा होगा कि INDC, ये क्या है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कैसे NDC क्या है, जो जैसे कि इंडिया ने 2070 तक कहा है कि हम नेट जीरो पर आ जाएंगे, ठीक है। नेट जीरो का मतलब हम न तो, नेट जीरो का मतलब क्या होता है पता है आपको, नेट जीरो का मतलब होता है जो कार्बन का एमिशन है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस है या फिर कुछ भी हो, ठीक है, वो सस्टेनेबल भी हो, जो इंडस्ट्री वगैरह हो, सारे के सारे सस्टेनेबल गोल पे ही पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो सस्टेनेबल गोल पे पहुंचने के लिए आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाना होगा, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड रेजिलिएंट एंड एडेप्टिव कैपेसिटी क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड से अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी जो सिटीज़ के अंदर वो हॉटनेस कह सकते हैं उसको, जस्ट सेकेंड, एक ट्रम यूज होता है, मतलब वो गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी हैजार्ड या फिर नेचुरल डिजास्टर का सामना कर रहे हैं, तो इनको कैसे कम किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। ये किस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो कैसे कम किया जाए, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज को मेजरमेंट वगैरह करना है, ठीक है। इम्प्रूव एजुकेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एजुकेशन, ये UNFCCC को काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ओके, नेक्स्ट मूव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, लाइफ बिलो वाटर। अब वाटर के नीचे जो जीव काफ़ी रह रहे हैं उनको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह या फिर उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको कैसे कंजर्व किया जाए, ठीक है। कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे नहीं कि आप
कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हो, ठीक है, माना कि सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, ठीक है, और सोलर प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगा दिया कि जो लाइफ बिलो वाटर उनको डैमेज कर दिए, कैसे, उनके पास सन की जो लाइट है या फिर वो पहुंच अच्छे से नहीं हो पा रही, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से नहीं घुल पा रही, जो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ऊपर आके समुद्र में क्या है, कुछ जो एनिमल्स है वो समुद्र की सत पे सरफेस पे आके वो ब्रीदिंग करते हैं, तो वो भी आपने इफेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से आपको जो ओशन रिसोर्सेज का यूज़ तो करना है, लेकिन वो अच्छे से करना है, सस्टेनेबली करना है, ताकि जो मैरीन जो लाइफ है उनको इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। अब क्या 2025 तक प्रिवेंट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मैरीन पॉल्यूशन, पहले नंबर तो आप मैरीन पॉल्यूशन को कम करो, ठीक है, ऑल काइंड पर्टिकुलर फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैरीन डेब्रीज एंड न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड नंबर आपको क्या, मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने अब की बार आपको मिस्थी नाम की एक स्कीम आपने अभी जस्ट 2023 के फाइनेंशियल बजट के अंदर इंडिया ने लॉन्च की है, उसके अंदर आप मैंग्रोव को कंजर्व करने जा रही गवर्नमेंट, मैंग्रोव को कंजर्वेशन के लिए जो लोकल पार्टिसिपेशन है उनको बढ़ावा दे रही है। तो इस प्रकार से जो काफ़ी स्कीम है जो सस्टेनेबल गोल को टारगेट कर रही है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मिस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है इसके लिए, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। अवॉइड सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट, ठीक है, अब जो मोचा या फिर मोका कह सकते हैं वो रिलेटेड जो तूफान है उनको उस तूफान से या फिर चक्रवात से कैसे इफेक्ट को कम किया जाए और सस्टेनेबली कैसे बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो लाइफ बिलो वाटर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, काफ़ी जो ओशन मिशन भी है, प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, तो वो इफेक्ट कर सकते हैं मैरीन लाइफ को। तो उसके लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 14 नंबर गोल को ध्यान में रख के सारे के सारे इंक्लूसिव मेजरमेंट करने होंगे, ताकि जो लाइफ है अच्छे से चले। 15 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये बात करता है टेरेस्ट्रियल लाइफ की या फिर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की कह सकते हैं, लाइफ ऑन लैंड, अब जो लैंड पे लाइफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड प्रोमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, अब देखो फॉरेस्ट पे कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, अब डिजर्ट को कॉम्बैक्ट करना एंड हॉल्ट एंड रिजर्व सॉरी रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी जो लॉस, अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो कन्वेंशन है, कोप 15 से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, साइट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सब बायोडाइवर्सिटी आपको ध्यान में रखना है, क्यों न्यूज़ में है, किस टारगेट को किस गोल को टारगेट किया जा रहा है इन सब कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, लाइफ ऑन लैंड के थ्रू क्या है, 2020 तक इंश्योर एंड कंजर्वेशन रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड इन लैंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, आपको इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, वेटलैंड का भी ध्यान रखना है, ठीक है, वेटलैंड से रिलेटेड इंडिया में 75 के करीबन वेटलैंड हो गए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, टाइगर रिजर्व भी ध्यान में रखना है, ठीक है, फॉरेस्ट को कैसे, वेटलैंड को कैसे, माउंटेंस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ड्राई लैंड को कैसे सस्टेनेबल या फिर रिस्टोर करना है, ठीक है, रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सस्टेनेबल गोल नंबर 15 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फ्लड्स वगैरह आती है, पता है काफ़ी सारे इंडिया के काफ़ी जो पार्ट है उसके अंदर फ्लड का इशू है वो फेस करने को मिलता है, डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट, सूखा वगैरह, गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है, तो इन सब समस्याओं को बचने के लिए कौन सा जो टारगेट है निर्धारित किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15, ध्यान रखना। नेक्स्ट मोटो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूक्रेन रशिया वॉर के लिए, यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक है, उसके थ्रू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ये ध्यान रखना है, 16 नंबर या फिर 16 नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16, प्रोमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल
एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब लॉ ऑफ सी, जैसे प्रमोट द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये काफ़ी एक जो लॉ ऑफ सी, ठीक है, ये काफ़ी यूएन लॉ ऑफ सी है, ठीक है, काफ़ी शशा में रहने वाला है साइना वगैरह के कारण, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ भी काफ़ी शशा में रहता है, ठीक है, आप किसी देश की जो पीस है, जस्टिस है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल लाइफ है उसको काफ़ी या फिर कभी रीच नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल फॉर गोल्स, ठीक है, पार्टनर बनाओ, जैसे कि इंडिया के पास अगर कुछ अच्छी बात है तो वो किसी और कंट्री को पार्टनर बना के वो गोल को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है या फिर उसके लिए रीचेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब गोल के लिए पार्टनरशिप, पता है आपको एक न्यूज़ में या न्यूज़ में आपको मुझे नहीं लगता कि मिस किया होगा आपने, भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने यूनिसेफ से, ठीक है, और यूएनएफसीसी से उन्होंने क्या पार्टनरशिप की है ताकि जो भोपाल सो सिटी है उसको सस्टेनेबली भी कैसे डेवलप्ड किया जाए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे जो गोल है उनको ध्यान में रखते हुए पीपल का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए वो सब भोपाल ने किया है, ध्यान में रखना। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ध्यान रखना ये सब होना है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 15 के थ्रू आपको पार्टनरशिप के या फिर पार्टनरशिप बना के पार्टनरशिप करके आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्रूव करना है, उनको उनकी रिचेबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट एक आपको पता होगा कि जो 5 P's है, 5 P सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 5 P क्या है, प्लेनेट, प्लेनेट के अंदर क्या प्रोटेक्ट और प्लेनेट नेचुरल रिसोर्स एंड क्लाइमेट फॉर फ्यूचर ऑपरेशन, ये P1। P2 के अंदर एंड पॉवर्टी एंड हंगर इन ऑल फॉर्म्स एंड एंश्योर डिग्निटी एंड इक्वलिटी, 3 V या फिर P3 प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, ये सब आपको ध्यान रखना है 5 P के अंदर। 5 P क्या है, प्लेनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, ध्यान रखना है सस्टेनेबल गोल की 5 P क्या है, ठीक है, ये सब हो गए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको मुझे लगता है कि आपको समझने में आसानी हुई होगी, अगर आप ये पूरी की पूरी स्लाइड आप प्राप्त टेलीग्राम चैनल पे जाके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, थैंक यू।